नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 25 क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, क्या है हमारा पहला प्रश्न, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मार्टिन कपूर, जो अमेरिकन वैज्ञानिक है। उन्होंने कब किया था, 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था अमेरिकन वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर बी वाला मार्टिन कपूर होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा सही आंसर होगा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था, और इनका फुल नेम क्या है, एलेजांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो बैटरी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार बैटरी शब्द का उपयोग किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार बैटरी शब्द का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो वोल्टा हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, एवांगेलिस्ता टोरी शेली नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो बेरोमीटर है वो क्या है, वायुदाब नापने का यंत्र है। क्या है, वायुदाब नापने का यंत्र है, वायुदाब नापने का यंत्र है बेरोमीटर। और उसका आविष्कार किसने किया था, एवांगेलिस्ता टोरी शेली नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनका नाम कहीं कहीं जगह पे मिलता होगा, इवान जेलिस्टा टोरी सेली नाम भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा एवांगेलिस्ता टोरी सोली नामक वैज्ञानिक ने बेरोमीटर का आविष्कार किया था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। जो एलईडी होती है उसका आविष्कार किसने किया था, तो हमारा सही आंसर होगा निक होलो न्याक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। जो परमाणु बम होता है उसका आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो ब्रिकवेट नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिशन नामक वैज्ञानिक ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, स्कूटर के आविष्कारक है। तो जो स्कूटर है उसका आविष्कार किसने किया था, तो हमारा सही आंसर होगा ब्रॉडशॉ नामक वैज्ञानिक ने स्कूटर का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा, जो वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो जो वर्षा की अम्लता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा,
जो पीएच मीटर होता है उससे वर्षा की अम्लता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, सीस्मोग्राफ है उससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है। तो इसका सही आंसर होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए जो अल्टरनेटिव करंट है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट को डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में बदलता है, क्या, रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा डी वाला, एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर नामक उपकरण है, इसके द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है उसे नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। जो फेदोमीटर होता है वो किसे नापने में किया जाता है। तो जो समुद्र की गहराई होती है, जो महासागर भी मिल सकता है आपको कई कई जगह पे, और समुद्र की गहराई मतलब महासागर की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर। और अपने को क्या दिया है ऑप्शन में, यहाँ पर समुद्र की गहराई, कई जगह पे महासागर भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, व्हीट स्टोन सेतु से क्या नापा जाता है। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, और हिंदी में व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या नापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, प्रतिरोध नापा जाता है व्हीट स्टोन सेतु से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है हमारा, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम अगला है, रडार उपयोग में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा, जो ध्वनि तरंग का परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में आता है। जो रडार होता है वो किसके काम आता है, ध्वनि तरंगों का को परिवर्तित कर वस्तु का पता लगाने में उपयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो ऑडियोमीटर है उसे ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। तो ऑडियोमीटर क्या है, ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, टेकोमीटर यानी वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा, जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जो हम झूठ बोलते हैं उसका पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो हमारा सही आंसर होगा पॉलीग्राफ।
पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग क्या नापने में किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो आर्द्रता नापने में किया जाता है, किसका? पायरोमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो हमारा सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूध के घनत्वों को किसके दौरान मापा जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्वों को नापा जाता है। दूध के घनत्वों को नापा जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। तो हमारा सही आंसर लैक्टोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर मतलब सुमेलित नहीं है मतलब एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है, और टोकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो हमारा जो टेकियोमीटर है वो क्या है, सुमेलित नहीं हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी वाला, टेकियोमीटर दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या दिया था कि पोलियो ऑटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये वाला प्रश्न हमने दिया था। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों, उसका सही आंसर क्या होगा, पिछले वीडियो का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका सही आंसर जीवाश्म होगा। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप पढ़ते रहिए, थर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।